इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड मैच, थर्ड T20 मैच, और ये जो मैच है ना, श्रीलंका भारत के मैदानों पे खेल रही है और भारत अपने घरेलू मैदान पे खेल रहा है। ऐसे में भारत मेजबानी कर रहे हैं, ऐसे में दो श्रृंखला दोनों टीमों के बीच खेली जा चुकी है, जिसमें पहला श्रृंखला भारत ने अपने नाम किया, वहीं दूसरी श्रृंखला श्रीलंका ने बहुत आसानी से अपने नाम किया। अगर देखा जा रहा है तो दोनों ही टीमों आमने सामने प्रतिस्पर्धा की लड़ाई कर रही है और दोनों टीम के कुछ ऐसे प्लेयर्स है जो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में आज का जो मैच है तीसरा मुकाबला है, और आज का मुकाबला जो जीतेगा फिर उसके नाम हो जाएगा। तो तीन T20 मुकाबले थे, जिसमें दोनों ने एक एक से अपने नाम कर रखा, और आज का मुकाबला जिसका होगा वो श्रृंखला उसके नाम हो जाएगी। ऐसे में दोनों टीमों की निगाहें इस सीरीज पे है और हमारी निगाहें ड्रीम इलेवन पे है कि भाई आज का प्लेयर्स कौन कौन सा है जो परफॉर्म करने वाला है और कहां से हम ड्रीम इलेवन पे एक अच्छा सा टीम बना पाएंगे और अच्छा सा विन कर पाएंगे। करोड़ों की नहीं, लाखों की नहीं, हम हजारों की ही बात कर लेते हैं। छोटे से अमाउंट में हजारों रुपए जितना आसान नहीं होता। तो ऐसे में आज का जो वेन्यू है, अगर वेन्यू की अगर बात कर ली जाए तो आज का जो मैच है वो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है, जो स्टेडियम राजकोट में है। और राजकोट किस स्टेडियम की बात की जाए ना, अगर इसकी पिच बिहेवियर की बात की जाए तो बैटिंग पिच, बैलेंस पिच, बॉलिंग पिच, तो इसमें अगर देखा जा रहा है तो ना तो ये बैटिंग का पिच है, ना बॉलिंग का पिच है, ये बैलेंस पिच है। इस पर ये नहीं कहा जा सकता है कि आज के मैच में बैटमैन परफॉर्म करने वाले हैं या फिर आज के मैच में बॉलर परफॉर्म करने वाले हैं। अगर बैटिंग की बात किया तो बैटिंग से भी जो बैट्समैन है वो परफॉर्म करते नजर आएंगे, बॉलिंग से भी बॉलर परफॉर्म करते नजर आएंगे। और पिच पे अगर बॉलर की बात की जाए तो बॉलर में कौन सा बॉलर चलने वाला है, पेसर्स चलने वाला है, स्पिनर चलने वाला है, तो भाई इस फील्ड पे जो है ना पेसर्स 50% और स्पिनर्स 50%, ये किसी एक पे फिक्स नहीं है कि आज के पिच पे पेसर्स ही चलने वाले हैं और आज के पिच में स्पिनर ही चलने वाले हैं। दोनों बॉलिंग से दोनों लेन का कॉम्बिनेशन होगा और दोनों ही स्पिनर और फास्टर दोनों ही परफॉर्म करते नजर आएंगे। ऐसे में अगर पिच बिहेवियर का देखा जाए तो पूरा 100% पिच बिहेवियर बैलेंस है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि स्कोरिंग हाई होगा या फिर स्कोरिंग लो होगा। लेकिन अगर स्कोरिंग की अगर बात की जाए तो ये जो मैच है ना, इस पे एवरेज स्कोर इस फील्ड पे एवरेज स्कोर 164 के आसपास है। अगर वहीं अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पे 180 के आसपास का एवरेज स्कोर बनता है। अगर वेदर की अगर बात की जाए तो इस पिच पे 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होगा और स्काई जो है पूरी तरह से क्लीन होगा। वही अगर जीतने वाली टीम की अगर बात की जाए तो बॉलिंग फर्स्ट 75%, मतलब चेस करने वाली टीम ज्यादातर जीतते नजर आती है, 75% जीतने की चांस होते हैं। ऐसे में जो टीमें टॉस जीतेंगी उनकी निगाहें बॉलिंग करने पे होंगी, क्योंकि बॉलिंग करके चेस करना बहुत ही आसान होता है इस पिच पे। तो ये तो वेन्यू की बात थी, फील्ड की बात थी, अब बात करते हैं कि ये जो पिच है इस पे कौन कौन से जो खिलाड़ी है अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज इस पिच पे कौन कौन से खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर इस पिच पे इंडियन प्लेयर्स की परफॉर्म की अगर बात की जाए ना, तो इसमें इस पिच पे इंडिया के जो खिलाड़ियों हैं वो अभी जो सीरीज चल रहा है इसमें जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें से ज्यादातर ने इस पिच पे मैच नहीं खेला है। लेकिन इस पिच पे अगर मैच खेलने वाले प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ ही प्लेयर्स है जो इस पिच पे मैच खेल पाए हैं। जैसे में बैट्समैन की अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या है, जिन्होंने इस फील्ड पे मात्र एक मैच खेला है और एक मैच में 46 रन दिया है। वहीं अगर स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो 148 का स्ट्राइक रेट है इस पिच पे इनका। अगर उसके बाद अगर बात की जाए तो ईशान किशन ने भी इस पिच पे मात्र एक मैच खेले हैं, जिसको उन्होंने 27 रन बनाया है और 103 का इनका स्ट्राइक रेट है। अगर वहीं अक्षर पटेल की बात की जाए तो एक मैच ये भी खेल चुके हैं इस पिच पे, उसके बाद इनका जो स्कोर था वो 8 रन था। अगर स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो 200 का स्ट्राइक रेट था। अगर ये तो बैट्समैन की बात हुई, अब बॉलर्स की अगर बात की जाए तो वाई चहल है, जिन्होंने इस फील्ड पे एक मैच खेला है, 2 विकेट लिया है। और इकोनॉमिक की बात की जाए तो 5 का इकोनॉमिक है, मतलब 4 ओवर 5 रन देते नजर आया है। वही अगर अक्षर पटेल की बात किया तो उन्होंने भी इस फील्ड पे एक मैच खेला है, एक विकेट लिया है और 4.95 लगभग 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से इन्होंने भी रन दिया है। वही अगर हर्षद पटेल की बात किया तो उन्होंने भी इस पिच पे एक मैच खेला है, एक विकेट लिया है और 1.50 का इनका इकोनॉमिक है। मतलब इकोनॉमिक की अगर बात किया तो बहुत ही ज्यादा टफ है, अगर देखा जाए तो मेडन ओवर के बराबर है। ऐसे में ये जो 3 प्लेयर्स है इस पिच पे अच्छा करते नजर आएंगे, और बाकी जो इंडियन टीम में खेलने वाले प्लेयर्स है उन्होंने अभी तक इस फील्ड पे कोई मैच नहीं खेला है। तो ऐसे में इस सीरीज में जिनका परफॉर्मेंस जिस हिसाब से उस हिसाब से आप प्लेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की झूठी दिलासा हम आपको नहीं देना चाहते। जो प्लेयर्स इस पिच पे परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं हम उन्हीं के बारे में बता रही है। 6 प्लेयर है जिन्होंने अभी तक इस पिच पे मैच खेला है, इसके बाद कोई भी प्लेयर्स ऐसे नहीं जिन्होंने इस पिच पे मैच डेब्यू किया हो। आज जो प्लेयर्स खेलेंगे उसमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो इस पिच पे अपना डेब्यू करते नजर आएंगे। ऐसे में लोगों की निगाहें इन पर होंगी इस पिच पे क्या परफॉर्म होगा। वहीं अगर श्रीलंका की अगर बात कर ली जाए तो श्रीलंका ने अभी तक इस पिच पे एक भी मैच नहीं खेला है। ऐसे में किसी भी खिलाड़ी के बारे में
संभावना देना कि ये प्लेयर्स ऐसा करेंगे बिल्कुल ही गलत होगा। ऐसे में जो आपकी निगाहें होंगी कि श्रीलंका की तरफ से कौन कौन से प्लेयर्स ले, तो श्रीलंका के की जो टीम लोग पिछले दो मैच खेल चुकी है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे श्रीलंका के कैप्टन दर्शन सनाका ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए करुणारत्ने की, तो उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर महेश तिक्साना की बात की जाए तो उनका भी काफी अच्छा परफॉर्म है और लगभग सभी फील्ड पे ये अपना परफॉर्म करते नजर आते हैं। तो ऐसे में लोगों की निगाही होगी निगाहें होंगे उस पर होंगी। लेकिन अगर भारतीय टीम की अगर बदलाव की अगर बात की जाए ना, तो थोड़े से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पिछला जो मुकाबला था, पहले मुकाबले में अक्षदीप सिंह नहीं खेल रहे थे, दूसरे मुकाबले में उन्होंने खेला, लेकिन दूसरे मुकाबले के पहले ही ओवर में उन्होंने लगातार तीन नो ओवर फेंका था, तीनों ओवर पे काफी अच्छा रन दे दिया था। अगर पहले ओवर की बात किया जाए तो हार्दिक पांड्या ने दो रन देकर के पहला ओवर समाप्त किया था, वहीं दूसरे ओवर काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ था। अक्षदीप सिंह पिटते नजर आए थे और तीन के तीन लगातार नो ओवर फेंका था। नो बॉल का बात किया जाए तो उन्होंने इतिहास रच दिया हैट्रिक नो बॉल फेंकने का। ऐसे में आज की टीम में हो सकता है अक्षदीप सिंह निकलते नजर आएंगे और एक नए प्लेयर्स खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में लोगों की निगाहें होंगी और जो टीम है उस पर अगर सिलेक्शन परसेंटेज की बात की जाए तो थोड़े से चेंजेस करने होंगे, कुछ ऐसे प्लेयर्स को लेने होंगे जिनका कि सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि जब वो अच्छा करेंगे तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि आप लीग जीतते नजर आएंगे। स्मॉल लीग अगर जीतना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी अलग चेंजिंग होगी, अगर ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं तो अलग चेंजिंग होगी। तो ऐसे में जो लोगों की निगाहें हैं इस पे होंगी। अगर इस सीरीज में बेस्ट प्लेयर्स परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं तो इंडिया की तरफ से अगर सूर्य कुमार यादव को देखा जाए तो इन्होंने दो मुकाबले खेले जिसमें कि पहला मुकाबला इन्होंने ज्यादा पॉइंट नहीं दिया लेकिन एवरेज पॉइंट करके गए थे, 18 पॉइंट दिया था। वहीं अगर दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो फैंटेसी 11 के पॉइंट की अगर बात किया तो 74 पॉइंट इन्होंने किया था। वहीं अगर भारत के जो फास्ट बॉलर्स है जिनका की स्पीड देख करके अच्छे से बैट्समैन की कामने लगते हैं, इमरान मलिक की बात की जाए तो उन्होंने पहले मुकाबले में 56 पॉइंट किया था, वहीं दूसरे मुकाबले में 96 पॉइंट करते नजर आए। उसके बाद अगर श्रीलंका की तरफ से श्रीलंका कैप्टन धनुष सनाका को अगर देखा जाए तो पहले मुकाबले में उन्होंने 66 पॉइंट किया था और दूसरे मुकाबले में 138 पॉइंट करते नजर आए थे। और उसके बाद कौशल मेंडिस है श्रीलंका के, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बल्ले से आग उड़ा था, पहले मुकाबले में 45 पॉइंट किया था, दूसरे में 95 पॉइंट करते नजर आए। अगर वहीं हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो पहले मुकाबले में 59 पॉइंट किया था, दूसरे मुकाबले में 21 पॉइंट करते नजर आए। अगर अक्षर पटेल की बात की जाए तो पहला मुकाबला इनका 52 पॉइंट था, दूसरे मुकाबले में सबसे बेस्ट पॉइंट है 150। उसके बाद की रजेता श्रीलंका के बॉलर है, फास्ट बॉलर है, उनका पहला मुकाबला अच्छा नहीं रहा था, 5 पॉइंट किया था, लेकिन दूसरे मुकाबले में अच्छा पॉइंट करते नजर आए, 66 पॉइंट किया। उसके साथ श्रीलंका की तरफ से सी करुणारत्ने जिन्होंने पहले मुकाबले में 58 पॉइंट किया था, दूसरे में 47 पॉइंट किया। उसके बाद भाव श्रीलंका की बात किया तो पहला मुकाबला इनका 65 पॉइंट था, दूसरे में 29 पॉइंट करते नजर आए। उसके बाद ईशान किशन की बात किया तो पहला मुकाबला 66 पॉइंट किए थे, दूसरे मुकाबले में मात्र 6 पॉइंट करके चले गए। अगर पैंथर निशंका की बात किया तो पहला मुकाबला मात्र 5 पॉइंट था, दूसरे मुकाबले में 45 पॉइंट करते नजर आए। अब बात कर लेते हैं आज के टीम की, तो आज के टीम की अगर बात करते हैं तो चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशंस पे और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। तो 7 घंटे बाद आज का मुकाबला है जो कि 7 बजे से खेला जाएगा और आज का जो मुकाबला है इसमें जो हमारा टीम होगा कुछ इस प्रकार से होगा। अगर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम विकेट कीपिंग से अगर स्टार्ट करते हैं तो कौशल मेंडिस हमारे विकेट कीपर होंगे। वहीं अगर बैट्समैन की अगर बात की जाए तो बैट्समैन में हमारे जो है धनुष सनाका होंगे, धनुष सनाका के साथ साथ जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते हैं श्रीलंका की ओर से चैत्र श्रीलंका होंगे और साथ ही साथ हमारे टीम में जो है सूर्य कुमार यादव होंगे। उसके बाद अगर ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात की जाए तो हार्दिक पांड्या होंगे क्योंकि इनका स्पीड पे काफी अच्छा पॉइंट रहा है। उसके साथ साथ महाव श्रीलंका होंगे और अक्षर पटेल होंगे और सी करुणारत्ने होंगे। उसके बाद अगर बॉलिंग रेंज की बात की जाए तो युजवेंद्र चहल होंगे, युजवेंद्र चहल के साथ साथ कौशल पटेल होंगे और डी मधुसनाका होंगे। तो ये हमारा जो टीम है अभी के लिए फाइनल टीम है हमारा। और कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर बात किया तो आज के जो हमारे कैप्टन होंगे वो हार्दिक पांड्या होंगे और साथ ही साथ वाइस कैप्टन जो हमारे हैं वाइस कैप्टन में हर्षद पटेल होंगे। इस तरह करके हमारा जो टीम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा विकेट कीपर कौशल मेंडिस है, उसके साथ साथ बैटिंग वाले सेक्शन में सूर्य कुमार यादव, धनुष सनाका एंड चरित्र श्रीलंका है, साथ ही ऑलराउंडर वाले सेक्शन में अक्षर पटेल है, हार्दिक पांड्या, भाव संघ है और श्री करुणारत्ने है। उसके साथ साथ बॉलिंग वाले सेक्शन में युजवेंद्र चहल, हर्षद पटेल और
डी मधुसुनाका है, और इस तरह करके हमारा टीम है फिलहाल के लिए कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जैसे ही लाइनअप आता है तो हमारा फाइनल टीम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप हमारा फाइनल टीम देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे आए, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के जुड़ सकते हैं और फाइनल टीम ले सकते हैं।